दोस्तों गलती से व्हाट्सएप डिलीट हो जाता है, फिर यदि आपने जो भी व्हाट्सएप के अंदर जिसके भी साथ चैट की उन सभी को वापस लाना चाहते हैं, आप जिस भी ग्रुप में थे उन सभी को वापस लाना चाहते हैं, मतलब आप अपने व्हाट्सएप का बैकअप लेके वापस उसको स्टोर करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं ये आप इस वीडियो के अंदर जान सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप को इस प्रकार इंस्टॉल करके यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जिस भी नंबर से व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया था उस नंबर को यहाँ पे आपको लगाना है, और नंबर लगाने के बाद यहाँ पे आपको ये जो नेक्स्ट का जो ऑप्शन मिलता है आपको उस पर क्लिक करना है, जिससे कि यहाँ पे आपको एक OTP मिलता है, उस OTP को यहाँ पे आपको लगाना है जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक लग जाता है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब आप यहाँ पे आगे जाते तो यहाँ पे सबसे पहले कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि आपको यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे जो भी परमिशन है उन सभी को अलाउ करना है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये जो परमिशन है यहाँ पे अलाउ करके यहाँ पे अपनी जो ईमेल आईडी है उसको सेलेक्ट करना है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो बैकअप है वो यहाँ पे लेने के लिए आपको अलाउ पे क्लिक करना है, और अलाउ पे क्लिक करने वाले दोस्तों यहाँ पे आपको अपना जो नाम लगा लेना है, और नाम जब यहाँ पे आप लगाते हैं तो यहाँ पे आपका जो भी व्हाट्सएप बैकअप है वो ऑटोमेटिक आपका जो व्हाट्सएप है उसके अंदर आ जाता है, मतलब आपकी जो भी चैट है, आपका जो भी ग्रुप है या फिर जो भी आपने व्हाट्सएप के अंदर किया था वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।